सो हेलो व्यूवर्स, ई टेट्रा गैजेट्स के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, अगर आप लोग एक बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे थे जो कि अंडर 90,000 हो और आपको एक कमाल की गेमिंग करा दे, तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने एक नहीं दो नहीं पूरे 5 लैपटॉप सेलेक्ट किए हैं जो कि अपने अपने ब्रांड और अपने अपने बजट के हिसाब से काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं। और यार, ये जो 5 लैपटॉप्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, काफ़ी डीप रिसर्च के बाद इनको सेलेक्ट किया है, जहां पर आप वीडियोस की एडिटिंग भी कर सकते हो इन्हीं लैपटॉप्स में, गेमिंग कर सकते हो, साथ में अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो भी ये लैपटॉप आपके काम आएंगे। तो यार, इनमें से कोई सा भी लैपटॉप लेना है, ऑलरेडी हमने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाकर आप डायरेक्टली ले सकते हो। सो यार, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, नंबर 1 पे जो लैपटॉप आता है वो आता है आसूस की तरफ से, आसूस टफ गेमिंग। गाइस, आसूस की टफ जो सीरीज है उसको मैं हमेशा ए सीरीज वाली सीरीज को क्यों हमेशा लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप्स में लेता हूँ, सबसे बड़ा रीजन है गाइस, यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो फुल HD के साथ में, इसकी रिफ्रेश रेट है वो आपको 144Hz की मिल जाती है। इसके अलावा बात करूँ इसकी कुछ स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 जो कि 3200MHz की स्पीड पर चलती है। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो राइजन 7 4800 मिल जाता है जो कि 2.9GHz पे क्लॉक्ड है, और यार इतनी कमाल की गेमिंग कराएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स है, तो आप एडिटिंग भी बड़ी आसानी से कर सकते हो इस वाले लैपटॉप में। और जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको मिल जाता है GTX का 1650 Ti जो कि GDDR6 पर आता है। खैर, ये ग्राफिक कार्ड 4GB VRAM पर है, तो आपको काफ़ी अच्छी ग्राफिक परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको स्टोरेज जो मिलती है वो मिलती है 1TB की हार्ड ड्राइव और साथ में 512GB की NVMe SSD, मतलब स्टोरेज की तरफ से, स्पीड की तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। खैर, प्राइस है इस लैपटॉप का 88,940 रुपीज़। बाकी यार, अगर आपको ये लैपटॉप लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग करना चाहते हो, साथ में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप अंडर 90,000 रुपीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर ले सकते हैं। नंबर 2, डेल गेमिंग G3 3590। गाइस, डेल की तरफ से हम काफ़ी लैपटॉप नहीं लेते हैं, लेकिन 90,000 रुपीज़ का जो प्राइस है, यहाँ पर आप डेल का एक लैपटॉप ले सकते हो। अगर आपको कोई इंटेल का लैपटॉप लेना है तो ये जो लैपटॉप है इंटेल के कोर i7 9750 के साथ में आता है, यानी ये 9th जनरेशन का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है जो कि क्लॉक्ड है 2.6GHz पर, यानी कि लैपटॉप्स के मुकाबले में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आपको मिल जाता है 90,000 रुपीज़ के अंदर। वेल, इस वाले लैपटॉप का प्राइस आपको देखने को मिलता है 89,990 रुपीज़, जहाँ पर आपको 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिलती है, विंडोज 10 तो मिल ही जाती है। इसके अलावा जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको मिलता है 1650 4GB का NVIDIA की तरफ से। और ये जो लैपटॉप है, इसका जो कीबोर्ड है वो 8GB तो है बटन्स में, लेकिन साथ में जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी एक ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि इस लैपटॉप की खूबसूरती को काफ़ी बेटर बनाता है। इस लैपटॉप को आप ले सकते हो, ये गेमर्स के लिए तो है ही, लेकिन साथ में मल्टीटास्कर्स के लिए काफ़ी बेटर हेल्प मिलती है इस लैपटॉप के अंदर। सो अगर आपको ये लैपटॉप लेना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, गाइस, नंबर 3 पर मैंने जो सेलेक्ट किया है लैपटॉप वो आता है आसूस की ही तरफ से रॉक सीरीज का एक लैपटॉप। अब ये लैपटॉप सेलेक्ट करने का मेनली रीज़न है इसका डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 17.3 इंचेस की एक फुल HD 120Hz की गेमिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। पूरा जो लैपटॉप है वो RGB लाइटिंग से एक तरह से भरा हुआ है, नीचे की तरफ जो बार है वहाँ पे आपको RGB लाइट मिल जाती है, कीबोर्ड में मिल जाती है, और ये जो सेटअप आपको मिलता है पूरा गेमिंग का, मतलब डेडिकेटेड गेमर्स के लिए ये लैपटॉप मैं रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे आपको GTX का 1650 4GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है, वही i7 9th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, 8GB की रैम है, 512GB की SSD है, और क्या चाहिए लाइफ में। जहाँ तक बात करूँ मैं इसके वजन की, वेट की, तो वो 2.8 kg से थोड़ा ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा हो गई क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन गाइस रॉक सीरीज को आप जानते हो तो इसके बारे में ज्यादा कहने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो इस लैपटॉप को भी, ये भी बेस्ट डील होने वाली है इस वाली प्राइस रेंज में। खैर, इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर रहा है,
कभी 90,000 में मिल रहा है आपको, कभी 89,000 में, कभी कभी इसका प्राइस 95,000 भी चला जाता है। सो इसीलिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जब भी इसका प्राइस डाउन हो आप खरीद लेना। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप 90,000 से ज़्यादा पैसे इस वाले लैपटॉप को दो, लेकिन बाकी अगर आप दे सकते हो तो आप इस लैपटॉप को ले सकते हो, नहीं तो ASUS का टफ गेमिंग वाला A15 लैपटॉप आप ले सकते हो। नंबर 4, Lenovo Legion Y540। अब गाइज कुछ दिनों पहले हमारे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि यार आप Lenovo Legion सीरीज को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो गाइज पेश है आपके सामने Lenovo का ही लैपटॉप जिसका प्राइस अराउंड 89,990 आता है। अब गाइज सारे जो लैपटॉप्स उनका प्राइस 89,000 के आसपास मैंने इसीलिए लिया ताकि कोई हेरफेर ना हो, सारे जो स्पेक्स है आपको बेस्ट दूं इस वाली प्राइस में। तो ये जो Lenovo का लैपटॉप है ये मेरे को काफी बेटर लगा बाकी लैपटॉप में से प्राइस के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर मिल रहा है वो तो आपको ठीक मिल रहा है i5 9th जनरेशन वाला, लेकिन जो कोर्स हैं वो केवल 4 मिलते हैं। बाकी डिस्प्ले वगैरह बढ़िया है, 144 हर्ट्ज की है। रैम यहाँ पे आपको 8GB मिलती है, SSD मिल जाती है यहाँ पे आपको 1TB की, और जो ग्राफिक कार्ड है उसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, यहाँ पे आपको 6GB का GTX 1660 Ti ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो कि इसकी ग्राफिक्स को काफी बेटर बनाएगा, आपको कूल मतलब एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करा देगा ये लैपटॉप। लेकिन गाइज यहाँ पर दिक्कत एक ही है, इसमें आप वीडियो एडिटिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो प्रोसेसर है उसमें केवल 4 कोर्स मिलते हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक वीडियो एडिटिंग आप कर पाओगे इस लैपटॉप में और ऑफिस वर्क के लिए काफ़ी बेटर है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है ना तो गेमिंग के लिए मैं इसको रिकमेंड 100% करता हूँ, आप ले सकते हो। खैर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके आप चेकआउट जरूर कर लेना। नंबर 5, Acer Nitro 7 AN715-51। गाइस Acer की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप आपको ओनली ऑन 84,990 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है। इतना कम इसलिए मिल जाता है क्योंकि यार Acer है, ये बजट रेंज में लैपटॉप्स बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो फुल HD मिल जाती है, थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप है ये। इसका जो वेट है वो काफ़ी कम मिलता है बाकी लैपटॉप्स के मुकाबले। एंड वापस से यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है i5 9th जनरेशन वाला, 8GB की रैम है, 1TB की HDD है, साथ में 256GB की SSD है, विंडोज 10 लैपटॉप है 64-bit का, और यहाँ पे आपको जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो मिलता है 6GB का 1660 Ti, वही ग्राफिक कार्ड जो कि Lenovo Legion में यूज किया हुआ है। डिस्प्ले भी आपको 144 हर्ट्ज की मिल जाती है। सो गाइस कैसी लगी ये वीडियो बताना नीचे कमेंट्स में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी ही वीडियोस आप और देख सको। खैर इनमें से कोई सा भी लैपटॉप आपको खरीदना है या आप खरीद चुके हो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद ही सकते हो। बाकी अगर इनमें से जो भी लैपटॉप आप लेने वाले हो उसको एक बार कमेंट में जरूर बताना, और या फिर जो आप ऑलरेडी खरीद सकते हो उसके बारे में भी एक बार कमेंट कर देना। तो चलिए गाइस मिलेंगे आपसे जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।